हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? देर से ही सही बट बहुत प्यारा मैसेज लेके आई हूँ। हाँ देर इसलिए क्योंकि इवनिंग हो गई है और काफ़ी व्यस्त थी, लेकिन आपके डीएम महाशय का कुछ मैसेज मेरे पास आया सारी डीएफ्स के लिए, और वो मैसेज का बाद में कंफर्मेशन भी हो गया जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं। दो प्यारे से बर्ड्स आपस में प्यार कर रहे हैं। तो ये मैसेज जब मैंने देखा, जब मैंने ये मेरे ही घर का है जो आप देख रहे हैं, और जब मैंने देखा उसके पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन का मुझे मैसेज रिसीव हुआ था जो मैं यहाँ पर आज डिलीवर करना चाहती हूँ। छोटा सा मैसेज है, बहुत प्यारा सा है। तो जैसे कि अभी ऑलरेडी ये एक अपने आप में प्रूफ है जो मैंने क्लिप डाली है, और मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि हमारी 22 से यूनियन फ्रिक्वेंसी चालू हो चुकी है। तो आपके डीएम की हायर सेल्फ का आपके लिए मैसेज ये है कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, बस इस वक्त तुम्हें सब्र रखनी है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, तुमसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो सच तो यह है कि वो बहुत बेसब्र हो रहे हैं। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये बताते हुए कि वो जो भी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, ये फुल मून की जो ये समय है, वो अपनी ज़िंदगी में खुद एक चैलेंज से गुजर रहे हैं। एक चैलेंज एक अंदर है और एक चैलेंज बाहर होता है, बाहर की दुनिया के साथ, और एक अंतर मन की लड़ाई। इस दोनों लड़ाई से वो गुजर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन आप ही हैं। वो बहुत सारा उनका गंदा ईगो वाला डेथ भी हुआ, कई बार वो आपको गलत समझ के आपको आपसे रन भी किए, आपकी एक जो पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी थी, जो एक चेजिंग एनर्जी सी थी, इससे वो रन भी किए, आपसे भागने की कोशिश भी करी, और तब भी वो एक ऐसे दर्द से गुजर रहे थे कि एक बैटल बिटवीन द सोल एंड द ब्रेन, जिसमें कि हर बार उनका ब्रेन जीत जाता था और वो आपसे दूर हो जाते थे। लेकिन शिकस्त हमेशा ब्रेन की होती ही है, क्योंकि ब्रेन एंड दिस बॉडी कैन नेवर लास्ट फॉर एवर। तो आखिरी में सोल ही रह जाती है एटर्नल। तो जिस प्रकार से ब्रेन और शरीर कभी हमेशा परमानेंट नहीं है, ये ईगो भी, ईगो की भी डेथ होनी ही होती है, हमेशा ईगो की हार होनी ही होती है, और इस वक्त उस ईगो की हार से आपके डीएम गुजर रहे हैं। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, तुम सब्र रखो। और यहाँ तक कि बहुत सी डीएफ जो लोग शायद एक अंदर एक अजीब सा दर्द आपके हार्ट सेंटर में होता है, एक अजीब सा एक खालीपन जो आपको फील होता है, बहुत पेनफुल स्टेज भी होती है, जबकि ऐसा लगता है कि अब गले से खाने का निवाला भी नहीं निकलेगा, मुँह से शब्द भी निकलना बंद हो जाते हैं, वो जिस दर्द की स्टेज में आप होते हो, उस स्टेज पे आप बस अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को याद करिए, अपने हार्ट सेंटर पे हाथ रख के। वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, अगर तुम अवेकन हो चुकी हो तो मुझे महसूस करोगी। तो वो बिल्कुल आपसे मिलने आएंगे, मतलब क्योंकि वो आपके अंदर ही हैं, उनकी हायर सेल्फ अप्रत्यक्ष रूप से आपके इर्द गिर्द ही है। उनकी हायर सेल्फ हर वक्त आपके दर्द को देख रही है, जब आप दर्द में होते हो वो देखती है, और वो किसी भी रूप में आपको हीलिंग देने आती है। समझना आपको है कि ये आप अगर अवेकन नहीं हुए तो आप अपने ही डीएम के हार सेल्फ को महसूस नहीं कर पाओगे, बट अगर आप अवेकन हो चुके हो तो आप बिल्कुल हमेशा उनको अपने आसपास अपने इर्द गिर्द महसूस करोगे, और वो हर वक्त आपको अपनी हीलिंग दे रहे हैं। जब एक डीएफ दर्द में होती है तो उसका डीएम हमेशा एक हायर सेल्फ के रूप में, किसी भी रूप में, समटाइम्स सेक्सुअल अर्ज भी कह सकते हैं, वो आपको हीलिंग देने आती है। आपको समझना है कि वो आपके पास आए थे, तो इतना अवेकन होना है। तो ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, क्योंकि आगे जिस यूनियन को आप लोग एनकाउंटर करने वाले हो 3D प्लेन में, उसका बिगुल बज चुका है। अब बस आपको इस वक्त पेशेंस रखना है, पेशेंस इज़ द की। आपके डीएम में भरपूर पेशेंस है, बहुत ज़्यादा अब वो अवेकन हो चुके हैं। ये कलेक्टिव के उन डीएम की मैं बात कर रही हूँ जिनकी डीएफ ने बहुत मेहनत करी है, पर अभी उनकी यूनियन की ग्राउंडिंग बाकी है। उनके डीएम का मैसेज है
कि ये बिल्कुल बच चुका है, वो बिल्कुल आ रहे हैं, सिर्फ इस वक्त आपके पेशेंस की परीक्षा हो रही है, क्योंकि जीत आपकी ही होनी है, क्योंकि टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है। अब बस 3D मैनिफेस्टेशन के लिए आपको परमात्मा पे, अपने ट्विन पे और खुद पे ट्रस्ट करना होगा दोस्तों। खैर, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन आगे की टिप, अभी आपको आगे क्या करना होगा, आगे हमारी डॉक्टर सुनंदा कुछ टिप्स देना चाहती हैं इस अपकमिंग वीक के लिए, क्योंकि इस वक्त आज जो फुल मून है, मैं भी पिक कर रही हूँ कि आप लोग बहुत एक इम्पेशेंस की स्थिति से गुजर रहे हो, कुछ समथिंग सम सेंसेशन। आज के दिन आपकी ट्विन फ्लेम की सोल आपके पास आती ही है, समटाइम्स इट कुड बी द सेक्शुअल अर्ज और मे बी इन शेप, इन एनी शेप। आज के दिन टेलीपैथी सेशन ज़रूर कीजिए, रियूनियन ज़रूर कीजिए, मैजिकल मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, अपने DM से आज बात ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए तड़प रहे हैं। जो मुझे मैसेज मिला है, जहाँ मैंने फील किया है कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ सिर्फ आपको प्यार करती है, आपके सिवाय वो किसी और के बारे में, हायर सेल्फ की सोल डिज़ायर ही आप हो, और 3D का जो आपका मैस्कुलिन है वो भी आपकी ही डिज़ायर रखता है। सिंपली ट्रस्ट दी प्रोसेस, और अगर आप अवेकन हो चुके हो तो आप ट्रस्ट बिल्कुल करोगे। ठीक है, सुनते हैं आगे डॉक्टर सुनंदा को। प्रणाम माँ, नमस्ते दोस्तों, आई एम सुनंदा, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड ब्यूटिफुली डूइंग योर इनर वर्क एंड सोल पर्पस। टुडेज टॉपिक इज मेंटल डिसिप्लिन। मुझे बहुत दिनों से डाउनलोड आ रहा था कि इस बारे में मैं कुछ बात बोलूं। देखिए, जो डाउनलोड मुझे आ रहा है वो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो वो है कि हमारे पास डिवाइन ने, यूनिवर्स DF को इतने सारे नॉलेज देते हैं, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें 100% करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? देर इज़ अ लिटिल गैप। वो गैप क्यों होता है? ड्यू टू द मेंटल जो डिसिप्लिन, वो हमें आता नहीं है। मेंटलिटी को बैलेंस करना, मेंटल मास्टरी, सेल्फ मास्टरी, वो हमें इतना स्किलफुली हम नहीं कर पाते, इसलिए वो एक लिटिल गैप रह जाता है कि नॉलेज गैदर करना और उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन इस जो यात्रा है, इस यात्रा में नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ये इस जर्नी का एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें हर एक डायमेंशन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से उसके ऊपर पकड़ आना चाहिए। ये धीरे धीरे होएगा, जब आप अपने आप को अलाउ करेंगे तब ये कर पाएंगे। तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि मेंटल डिसिप्लिन कैसे हम लोग वो स्किल डेवलप कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए और प्रैक्टिकली उसको यूज कर पाए। देखिए, ये बात हमें सबको पता है कि मेंटल डिसिप्लिन मतलब होता है कि पॉजिटिव थॉट को अलाउ करना, नेगेटिव थॉट जो हमें सर्व नहीं करता है उसको डिस्कार्ड करना। मैं ट्यून फ्रेम जर्नी में मेंटल डिसिप्लिन के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जर्नी का मेंटल डिसिप्लिन। नो, हमें मेंटल डिसिप्लिन ऐसे करना चाहिए कि जो हमें इस यात्रा में सपोर्ट करे। बहुत सारा DF को ये नहीं पता कि उनके अंदर जो आवाज आ रहा है वो आवाज इज इट द वॉइस ऑफ योर देयर माइंड और देयर सोल। मतलब वो अपने मन की आवाज और जो वॉइस ऑफ सोल है वो दोनों में फर्क नहीं कर पाते। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि इसमें मदद हो पाए। नंबर वन जो टिप्स है, देखिए, अगर आपके अंदर एक विचार आया, एक आवाज आया, ठीक है, पहला स्टेप जो करना चाहिए, उस विचार से थोड़ा सा डिटैच हो जाइए। चाहे वो विचार जितना भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उस पर तुरंत आपको कोई कमेंट नहीं करना, एक्शन नहीं करना, तुरंत कोई आपको उस थॉट को एंटरटेन नहीं करना। सिंपली अपने आप को जो रूटीन है, जो नॉर्मल ग्राउंड प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है, उसको मेंटेन कीजिए। उस थॉट को आया, उसको खाली ऑब्जर्व किया आपने, बस इसमें 2-3 दिन अपने आप को बैलेंस जो है, बैलेंस लाइफस्टाइल आप लीड कीजिए। मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए उस थॉट को एंटरटेन ना करके। ये 2-3 दिन में आप देखिए कि जब आप अपने आप के साथ अकेले बैठते हो, तब जब आप शांत रहते हो, देखो उस थॉट, वो तो आपके अंदर जो विचार है वो तो आ रहा है ना, तो उसका जो डेप्थ है, उसका जो एक प्रोफाउंडनेस है, उसका जो एक लाउड एक विचार है, उसका इंटेंसिटी सेम है या फिर फेड अवे हो रहा है
डे टू डे. अगर उसका इंटेंसिटी सेम है, वो प्रोफाउंड है, लाउड है, मतलब दिस इज द वॉइस ऑफ योर सोल. अगर उसका फेडिंग अवे हो रहा है, मतलब आप समझ रही हो कि जो थॉट मुझे 3 दिन पहले आ रहा था अभी वो नहीं है, वो फेड अवे हो चुका है, या फिर उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, आप समझ पाओगे उसका डेप्थ ऐसा नहीं है, उसको इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए, और ये आपको समझ में आ जाएगा. दो इसको कहते हैं द, ये होता है आपके आवाज ऑफ योर माइंड, द वॉइस ऑफ योर माइंड. क्योंकि माइंड का जो आवाज है ना, उसको आप ज्यादा एंटरटेन ना करो, फेड अवे हो जाता है. लेकिन जो आपका सोल के वॉइस होता है, वो आप उसको एंटरटेन करो ना करो, कुछ भी करो, वो इतना प्रोफाउंड होगा, क्योंकि वो ट्रूथ होता है, उतना लाउड होगा कि वो उसमें आप उसको समझ पाओगे. आप अगर ये करो प्रैक्टिस ना, तो आप खुद समझ पाओगे कि एक फर्क रहता है दोनों आवाज में. मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं संगीत के एस्पेक्ट में एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जो सितार है इंस्ट्रूमेंट, वो माइंड के आवाज जैसा है, मतलब वो चैटर करते रहता है, मतलब सरेगामा पाधा निसा करते रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, एक को नहीं पकड़ेगा, एक स्वर को नहीं पकड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना. लेकिन जो द वॉयस ऑफ द सोल लाइक ड्रम, वो बीट करेगा इतना लाउड, इतना प्रोफाउंड, वो आपको पता चल जाएगा. वो एक बार ही होगा, उसका डेप्थ, उसका इंटेंसिटी वो अलग होगा, अलग लेवल का होगा, और फेड अवे नहीं होगा. ये होता है द क्वालिटी ऑफ द वॉइस ऑफ योर सोल. आप प्रैक्टिस करो. नंबर टू जो टिप्स है, ये जो फर्क मैंने बताया ना, उसको समझने के लिए आपको पहले आपके अंदर बहुत काम करना पड़ेगा. मतलब आपका जो सोल है ना, उसको पहचानने का जो एक मेहनत है, रिकॉग्नाइजेशन करने का जो मेहनत है, वो करना पड़ेगा आपके अंदर ही, इनवर्ड जाना पड़ेगा. जब आप खुद समझ पाओगे कि वो इतना पावरफुल है, द वॉइस ऑफ योर सोल इतना पावरफुल है, जो बाकी जो नीड है ना, मतलब फिजिकल नीड या फिर मन से जो आवाज निकलेगा, वो बिल्कुल ही कम पड़ जाएगा. आपको ना पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होएगा, वो इतना पावरफुल है. ये काम अगर खुद के ऊपर करो, तो आप धीरे धीरे ये समझ पाओगे, जरूर समझ पाओगे. नंबर थ्री जो टिप्स मैं देना चाहती हूँ, वो है कि जो आवाज को आप अगर एंटरटेनमेंट करो, आप उसको अगर इम्पोर्टेंस दो, जिसमें आपको सुकून मिलता है, मैं सुकून वर्ड यूज किया, प्लेजर नहीं, जो उसमें आपको सुकून मिलता है अंदर से, दिस इज द वॉइस ऑफ योर सोल. वो जितना आप वो दिख आपको दिखने को मिले ना मिले, प्रूव मिले ना मिले, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको आपको सुकून मिलता है. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. अगर आपका जो सोलमेट है, मान लो आपके लिए एक फूलों का, फ्लावर्स का रास्ता बना दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब जो आप चाहते हो कर दिया, लेकिन जब आप खुद के साथ बैठते हो, तब आपके अंदर एक मायूसी, एक जो खालीपन लग रहा है, वो होता है द वॉइस ऑफ योर सोल. वो किस लिए है? क्योंकि आपको पता है ट्रूथ क्या है. आपको पता है जब आपका सोल आपको बोलेगा कि नहीं, ये लव नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रू लव, दिस इज नॉट द अनकंडीशनल लव, दिस इज द ट्रूथ. वो आपको ये पता चल जाएगा कि नो, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डीएम जिस तरीके से प्यार करता है, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव. जो 5D में, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव. और उससे आगे, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता. और आप ये जिसमें हो, जिस जगह पे आप जिसको प्यार बोल रहे हो, वो दिस इज ओनली द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर ईगो, सेटिस्फेक्शन ऑफ योर इमोशनल नीड. आपका जो मेंटल नीड है, खाली उसको पूरा करना हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है. तो ये जो ट्रूथ है, जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, जो डीएम आपको प्यार कर रहा है, डीएम आपको प्यार करते हैं, देखिए ये सुनने में आपको सुकून मिल रहा है ना, क्योंकि दिस इज ट्रूथ. जो ट्रूथ है, उसमें हमेशा इनर पीस रहेगा. जो फॉल्स है, उसको आपको प्लेजर मिल सकता है, उसको आपको टेम्पररी एक होता है ना, रिफ्रेशमेंट मिल सकता है, लेकिन उसमें ना इनर पीस नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा. लेकिन आप अगर खुद के साथ अकेला भी बैठो ना, 5D में बात करो ना डीएम के साथ, जो सुकून मिलता है, जो एक अंदर से मैं बता नहीं सकती हूँ, जो मिलता है ना, वो इतना प्रीशियस होता है, वो इतना ट्रू होता है, इतना ऑथेंटिक होता है, वो इतना पीसफुल होता है. मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उसको मैं कैसे बयां करूँ, क्योंकि ये सत्य है, ये ट्रूथ है, दिस इज द वॉइस ऑफ योर सोल. तो इसको पहचानो और इसके साथ ज्यादा वक्त बिताओ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रूथ के साथ ज्यादा वक्त बिताओ, ना कि फॉल्स चीजों के साथ.
ये एक टिप्स रहेगा। और नंबर 4, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब एक बच्चा आपके पास आता है, वो अगर आपके पास आइसक्रीम बताते हैं कि आइसक्रीम चाहिए मुझे चाहिए, तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हो? कि वो अगर बीमार है, उसके अगर सर्दी है, तो आप उसको नहीं देते हो, क्यों? आपको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जस्ट लाइक योर माइंड, बच्चा है वो अगर कुछ भी मांगे ना, तुरंत उसको देना नहीं, क्योंकि वो जो मांग रहा है, जो माइंड आपके, वो खाली एक बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। उसको इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा आपको, ऐसे कर करके, कि वो जो भी बोले वो आपके जर्नी के सपोर्ट में बोले, वो जो भी बोले वो आपके सपोर्ट में बोले, डीएम के सपोर्ट में बोले। इसको कहते हैं कि सोल के साथ अलाइनमेंट विद द माइंड। आपका बॉडी जो भी काम करे, जो भी एक्शन ले, वो आपके जर्नी के प्रति सपोर्टिव हो, वो आपको और प्रोडक्टिव बनाए आपके इस जर्नी में, और फॉरवर्ड मूवमेंट लाए। इसको कहता है बॉडी के साथ सोल के अलाइनमेंट, मतलब सोल के पर्पस के साथ आपके माइंड आपके बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि अगेंस्ट जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सोल माइंड बॉडी अलाइनमेंट। इसको प्रैक्टिस में लाना है, ये आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर करके ही मिलेगा। रोज ना सुबह उठ के आपको ये एग्जाम देना है, खुद के साथ देना है, खुद एग्जाम दो ना, कि मैंने आज एक एग्जाम पेपर खुद के लिए बनाया है, कि ये मुझे आज ये प्रैक्टिस में लाना है कि कौन सा थॉट मेरे लिए प्रोडक्टिव है, इस जर्नी के लिए सपोर्टिव है, खाली मैं वो चूज करूंगी, बाकी डिस्कार्ड करूंगी। पहले पहले बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि माइंड तो ऐसा ही है ना। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा ना, माइंड समझ जाएगा कि आप कौन सा फीड आपको मतलब चाहिए, तो ऐसा ही करेगा। माइंड इज अ ब्यूटीफुल वेपन। आपको उसको कुछ कंट्रोल नहीं करना, उसको खाली अच्छे से ट्रेन कर दो इस यात्रा में, वो इसका सपोर्ट इतना सपोर्ट करेगा ना, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जब एक बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं, तो पहले उसको क्या किया जाता है कि ऐसे बैट पकड़ो, ऐसे रैकेट पकड़ो, ऐसे किया जाता है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते उसको रिफ्लेक्स में आ जाता है। तो जस्ट लाइक अवर माइंड, आप उसको प्रैक्टिस तो करवाओ, तो धीरे धीरे रिफ्लेक्स में आ जाएगा। वो जो भी बोलेगा ना, इस जर्नी के सपोर्ट में बोलेगा, आपके सोल के पर्पस के सपोर्ट में बोलेगा, एक भी इधर से उधर नहीं बोलेगा। ऐसा होगा, क्योंकि दिस इज द डिवाइस, आप जैसे उसको चलाएंगे वैसे ही चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द मेंटल मास्टरी और द सेल्फ मास्टरी। मैं इसके आगे और भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं छोटा सा एक चीज बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी याद आया कि लॉजिक के मामले में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं लॉजिकल हूँ नहीं, लेकिन जो लॉजिकल डीएम डीएफ है, उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहती हूँ। कुछ वक्त के लिए मैं थोड़ा लॉजिकल बन जाती हूँ, और मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो लॉजिकल डीएम डीएफ है, वो ना बहुत धोखा दे रहे हैं अपने आप को इन द नेम ऑफ लॉजिक। लॉजिक ना दोनों प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है प्रोग्राम्ड लॉजिक, जो डिस्ट्रक्टिव है, जो अपने लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो नैरो है, जो बायास्ड है 3D प्रोग्रामिंग में, उसको कहते हैं प्रोग्राम्ड लॉजिक। और एक होता है सेंसिबल लॉजिक, मतलब जो नेचुरल लॉजिक है, जो अपने आप लाइफ को प्रोडक्टिव बनाता है, जो ओपन है और जो नेचुरल फ्लो है उसका, वो होता है नेचुरल लॉजिक। तो 99% ऑफ पीपल वो ना लॉजिक के नाम पे प्रोग्राम लॉजिक यूज करते हैं और कहते हैं कि हम लॉजिकल है। नहीं, लॉजिकल तो बनना चाहिए। देखिए, इमोशनल लॉजिक दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन क्या लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहा है या डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, वो नैरो है, हमारे विजन को ब्रॉडर बना रहा है या नहीं बना रहे, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो नेचुरल लॉजिक अप्लाई करो। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो लॉजिकल डीएमडीएफ है वो क्या सोचते हैं कि जर्नी होता नहीं है, मैं कैसे मान लो, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं कैसे मान लो। तो ये जो चीज है ना, प्रोग्राम्ड लॉजिक है, मतलब ये आपके विजन को नैरो बना रहे हैं, बायस्ड बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मान लो मैं कह रही हूं कि मेरे पास किडनी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे प्रूफ चाहिए, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि पहले तो मुझे ऑपरेटिव प्रोसीड्योर में जाना पड़ेगा, किडनी निकालना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ठीक है मेरे पास किडनी है, तो ये तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीड्योर है ना। तो बात वही हो गया ना, इस जर्नी आपके सोल ब्लूप्रिंट में है, दिस इज साइंटिफिक। जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर साइंटिफिक है ना, कि एडेनिन गुआनिन जो भी है एक स्ट्रक्चर का, वो आप देखो केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, वैसे ही सोल ब्लूप्रिंट है, वो पूरा साइंटिफिक है, वो कैसे बनता है वो भी साइंटिफिक है। तो आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए, तो वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया ना।
तो मैं खुद के ऊपर काम करूं, मेरे अंदर जो इनवर्ड जो फंक्शन है उसको मैं ओपन करूं, पोटेंशियलिटी को देखूं, मेरा जो एक साइंटिफिक टूल है सिस्टमेटिक इनर वर्क उसको मैं यूज करूं और मैं देखूं तो मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ये इतना साइंटिफिक है कि आप खाली आपने लॉजिक को देखो कि नेचुरल लॉजिक यूज करो, नॉट द बायस्ड लॉजिक। दुनिया जो लॉजिक बनाते हैं वो है बायस्ड लॉजिक, वो है डिस्ट्रक्टिव लॉजिक, इसमें मत पड़ो। और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, देखिए जो हम लोग डॉक्टर है ना, तो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन टेबल में पहले क्या होता था, कोई हमारे पास एजेंट नहीं होता था, मतलब कोई फॉर्मुलेशन नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं था कि पहले उसको सेंसलेस करे फिर ऑपरेशन करे, तो पेशेंट का पेन ज्यादा होता था। लेकिन किसी ने तो सोचा होगा कि मेरे पास केमिस्ट्री नॉलेज है, मैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करूँ, उसका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करूँ, उसका कुछ इन्वेंशन करूँ कि ये पेशेंट का पेन कम हो जाए। तो लॉजिक को ना पर्पसफुली यूज करो, जो पूरा यूनिवर्स को सर्व करेगा, जो ह्यूमैनिटी को सर्व करेगा। तो हमारा जर्नी वही है, ट्विन फ्लेम जर्नी इज फॉर द सर्विस, कि हम दोनों मिलके सर्व करेंगे। और इसमें आपको अगर प्रूफ चाहिए है ना, तो आप ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीड्योर में जा रहे हो। कोई बच्चा अगर माँ के पेट में है, वो माँ के पेट के अंदर माँ को देख नहीं सकता, उसको बाहर तो आना पड़ेगा ना, तो उस ऐसा तो वक्त तो देना होगा, वो 9 मंथ के बाद ही बाहर निकलेगा बच्चा, तब माँ को देख पाएगा। तो बच्चा जब अंदर में है, जब हम लोग ट्रेनिंग प्रोसेस में है, तब कैसे इसका जर्नी का हर एक डायमेंशन हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वक्त दीजिए, पेशेंस बना के रखिए, एक एक आविष्कार जो होता है ना उसमें भी बहुत पेशेंस लगता है, वो तो लॉजिकली बात है ना, लॉजिकल लोग ही तो बनाता है वो सब चीज। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ ट्रायल फेलियर फिर जाके वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं। तो जो लॉजिकल पीपल है, काइंडली अप्लाई योर नेचुरल लॉजिक, मैं ये बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में माइंड डिसिप्लिन के बारे में और बात करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।